Welcome, beautiful people. I hope everyone is doing well and having a great day. So we are back with another vlog, and this vlog is a food vlog because we are invited at Desi Bar restaurant for food tasting. So we are here and now let's go in. So we are inside Desi Bar, and Desi Bar has got outdoor dining area under the open sky with live kitchen setup, and this is their live kitchen where they are preparing chow mein. इनके पास बहुत सारी वेराइटीज है. दे हैव गॉट देसी, दे हैव गॉट फास्ट फूड, दे हैव गॉट चाइनीज, एंड सब कुछ यहीं पे सेट हो रहा है. जैसे कि ये कढ़ाई बन रही है एंड दे आर प्रिपेयरिंग इट फॉर अस. सो आई कांट वेट टू टेस्ट इट. अलॉन्ग विद दैट दे हैव गॉट बारबेक्यू सेटअप एज वेल. So this is their barbecue setup as I told you before, and now they are preparing kalmi tikka. Kalmi tikka is something that I have never heard of before, and I am super excited to taste it. So let's see wo kaisa hota hai. Main kya masala kya kya dala hai aapne? Masala to iska kali mirch hoti hai, namak hota hai, red pepper hota hai, black pepper hota hai. बारबेक्यू बार है इनका बेसिकली. काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ, अच्छा थीम है, अच्छा कॉन्सेप्ट है. यहाँ इनका टी का सेटअप वैराइटीज ये दे रहे हैं, इसमें कश्मीरी चाय, प्लेन चाय, मलाई वाली चाय. इधर इनका ये सेटअप है फास्ट फूड का. मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि टी में यूज़ होते हैं. और ये हमारा कढ़ाई का सेटअप लगा हुआ है, इसमें कढ़ाई चल रही है. ये इसके छिलके आप यहीं निकाल लेते हैं, पहले से काटते नहीं है. ये आप क्या बना रहे हैं उस्ताद? अल्फ्रेडो. अभी क्रीम डाली है इन्होंने, काफ़ी थिक क्रीमी सॉस टाइप का ये बनना जा रहा है. इधर हमारी कढ़ाई भी रेडी हो रही है, बुनाई चल रही है, पानी सूख रहा है ये अभी टमाटर का. ब्रेड और पास्ता तैयार हो रहा है. इस वक्त जो खुशबू इस कढ़ाई से उड़ रही है ना, आप यकीन नहीं माने, बेहतरीन. और ये दही डाल दी है इन्होंने. ये क्या डाला उस्ताद आप? मिल्क डाला भाई. कढ़ाई अंडर प्रोसेस. अब ये कलमी टिक्का तैयार होने जा रहा है जो वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था. अब ये दिखाते हैं आपको सेटअप इनका. ये
ये देखें, ये कुछ सलाद था इसके ऊपर डाल रहे हैं और ये काफ़ी स्मोक हो रहा है, तो फुल इन्होंने गरम किया, प्री हीट किया। अब इसके ऊपर ये कलमी टिक्का डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा उठ रहा है और बटर भी है आई थिंक, हाँ बटर, बटर का अरोमा आ रहा है। ये इन्होंने डाला, कलमी टिक्का डालना शुरू किया एक एक करके। ये देखें क्या स्मोक, क्या अरोमा, क्या। अब ये क्रीम सिजलिंग टाइप का, ये बारबेक्यू आइटम है नहीं है। ये लेके जा रहे हैं, तैयार है कलमी टिक्का, वीआईपी कलमी टिक्का। इधर हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है, इसके ऊपर आपने हरी मिर्ची और मसालों में क्या क्या डाला है आपने? धनिया डाला, जीरा और रेड चिली और गरम मसाला भी डलता है इसमें? गरम मसाला भी डालेंगे, अभी डालेंगे वो एंड में डालेंगे। गार्निशिंग चल रही है और ऊपर इन्होंने ग्रीन पेपर डाले, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है कढ़ाई, वैसे ही मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए ऊपर से इन्होंने आई थिंक ये काली मिर्ची और फिर उसके बाद ये गरम मसाला। प्रोफेशनल कढ़ाई की बात कुछ और है भाई, घर में आप लाख ट्राई कर लें वो चीज़ आती नहीं है जो आपको प्रोफेशनल कढ़ाई एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगी, और वो भी इस टाइप के रेस्टोरेंट में। ये क्या है उस्ताद? देसी घी, क्योंकि आप इसमें देसी घी का अरोमा भी आने वाला है। और फाइनली इस पर टॉपिंग लग रही है क्रीम की, ये हो गया पराठा और ये सिजलिंग था हमारा कलमी टिक्का। जी सो एवरीथिंग इज सर्व्ड एंड दिस इज देसी बार स्पेशल बर्गर, दिस इज आर अल्फ्रेडो पास्ता अलॉन्ग विद दे हैव सर्व्ड अस कड़ाही एंड ऑफ कोर्स द कलमी टिक्का, द स्पेशल कलमी टिक्का एंड एवरीथिंग टेस्टेड वेरी नाइस, वेरी वेल कुक्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड इन टेस्ट इट वॉज इनक्रेडिबल। बहुत मज़ा आया खाना खा के, द कड़ाही वॉज वेरी टेस्टेडो, वॉज वेरी नाइस, बट थोड़ा सा और सॉसी होना चाहिए था आई थिंक, थोड़ा क्रीमी होना चाहिए था, एंड कलमी टिक्का वॉज इनक्रेडिबल। So that was all. Thank you for watching. I hope you liked the vlog and the compilation of the video. Our dinner at Desi Bar was very nice. Our experience was very good. So do visit them as they are situated at Gulistane Johar Block 3. And thank you for watching. Don't forget to like, share, comment. Do subscribe our channel if you haven't done it yet. Allah Hafiz till the next time.